हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप प्लेयर लोगों को अपग्रेड कर सकते हो। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इसमें पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों, कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो और कैसे आप प्लैटिनम कॉइन्स भी आप कैसे प्राप्त कर सकते हो और लेजेंडरी कार्ड्स भी, इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं और अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। WCC 3 में हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि विकेट्स लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रहा है और मिस फील्डिंग हो जा रहा है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैच हारने की हो जा रहा, मैच हार जा रहे। तो दोस्तों, इसके लिए हम मेरे पास एक सोल्यूशन है, मतलब आप लोगों को प्लेयर लोगों को अपग्रेड करो और जितना ज़्यादा अपना प्लेयर लोगों को अपग्रेड करते हो तो आपका ज़्यादा चांसेस बन जाता है कि आप लोग मतलब जीतने का और कैचेस पकड़ने का और फील्डिंग में भी, और थ्रो बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है उसके लिए भी आप अपने प्लेयर को अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड करने के बाद आपका प्लेयर बहुत ज़्यादा मतलब रन आउट होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे अपने प्लेयर लोगों को अपग्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लेजेंडरी कार्ड्स को मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इधर किड्स प्लॉट पर मतलब आप कलेक्ट कर सकते हो, जैसे ही आप मैच खेलेंगे तो इधर आप लोगों को किड्स प्लॉट एक मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों को मतलब लेजेंडरी कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी अपग्रेड टीम पर जाऊँगा और तो अभी देखिए दोस्तों, मेरे पास 2 लेजेंडरी कार्ड मिला है दोस्तों, मतलब 2 प्लेयर लोगों का। मैं उन लोगों का अपग्रेड कर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी रेस्ट ऑफ स्क्वाड में है दोस्तों इधर, तो पहला प्लेयर को मैं अपग्रेड करूंगा। इधर अपग्रेड प्लेयर पर आपको टैप करना है प्लस बटन। ओके दोस्तों, अपग्रेड। तो दोस्तों, शॉट एक्यूरेसी मुझे 25 कार्ड्स है दोस्तों, मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ। इस बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 5 प्लैटिनम कॉइन्स देने पड़ेंगे दोस्तों। मैं अभी अपग्रेड नाउ कर दूंगा इसको। तो दोस्तों, मैं इसको लेवल 2 पर कर दिया। अभी आप लोगों को 5 लेवल करना पड़ेगा इसका शॉट एक्यूरेसी का, लेकिन मेरे पास उतना कॉइन्स है, लेकिन इसको मैं बाद में अपग्रेड करूंगा। अभी दूसरा प्लेयर को अपग्रेड कर आपको दिखाऊँगा दोस्तों। अभी मैं फिर से वापस आ गया, अभी रेस्ट ऑफ स्क्वाड। अभी इधर दूसरा प्लेयर को मैं अपग्रेड कर आपको वापस दिखाऊँगा दोस्तों। इधर मुझे स्पीड कंट्रोल एक मिला है दोस्तों, स्पीड कंट्रोल 25 कॉर्ड्स मिल गया। अभी मैं इसको भी अपग्रेड कर दिया लेवल 2। तो देखिए दोस्तों, मैं 2 प्लेयर मतलब 2 लेजेंडरी कॉर्ड मुझे मिले थे और कुछ कॉर्ड्स मिले, 1-2 मिले थे, लेकिन मैंने उतना ज़्यादा काफ़ी नहीं था मतलब अपग्रेड करने के लिए। मैंने 2 लोगों का अपग्रेड कर दिखाया दोस्तों। इसके बाद में मेरे पास मतलब लेवल 3 करने के लिए मुझे प्लैटिनम कॉइन्स मेरे पास है, मैं उसका भी अपग्रेड कर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप प्लैटिनम कॉइन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इधर आपको टैप करना है, इधर टैप करते हैं आप लोगों को 20 प्लैटिनम कॉइन्स मिल सकते हैं दोस्तों पूरा ये दस से, लेकिन आपको क्लाइम करते वक्त आपको डबल रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 वीडियो कुछ भी देखना है मतलब इसमें दिखाएगा, कुछ भी ऐड देख लेंगे तो आप लोगों को 2 कॉइन्स मतलब आप लोगों को डबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप। ऐसे ही मैंने सब कंप्लीट कर दिया, अभी एक ही है वो भी कंप्लीट कर दूंगा तो मुझे 5 प्लैटिनम कॉइन्स मिल जाएंगे दोस्तों। आप भी ऐसे कर सकते हैं और 5 मतलब मैं कुछ भी ऐड आ जाएगा तो मुझे 10 कॉइन्स मिल सकते हैं, 10 प्लैटिनम कॉइन्स। आप भी ऐसे करेंगे तो आप लोगों को हर रोज़ आप लोगों को 20 प्लैटिनम कॉइन्स मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अगर आप लोगों को बैटिंग टिप्स अगर मतलब चाहते हो तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बैटिंग टिप्स के बारे में बताया दोस्तों। कुछ भी तकलीफ़ हो तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बोलिएगा, मैं आप लोगों को कुछ भी सॉल्व कर बताता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तो तब तक के लिए अलविदा।